मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। किनवट में पिछले कई महीनों से एमआईएम पार्टी का असर थोड़ा कम दिखाई दे रहा था और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन भी एमआईएम पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसीलिए महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी कमजोर हो गई थी और एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आने वाले 2019 के चुनाव में एमआईएम की पार्टी मजबूत बनाने के लिए नांदेड़ के फिरोज लाला, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर एमआईएम पार्टी के नए जिला अध्यक्ष बन गए, फिरोज लाला ने पूरे नांदेड़ जिले का दौरा किया और एमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरों को मौका दिया। किनवट के पदाधिकारियों ने भी कल रविवार को किनवट से नांदेड़ जाकर फिरोज लाला से मुलाकात की। इस मुलाकात में किनवट के हालात बताए गए और तालुका अध्यक्ष शेख मजर इन्हीं को दोबारा मौका दिया गया। नौशाद खान को शहर अध्यक्ष, जायद खान को तालुका अध्यक्ष युवक और अब्दुल जान लाला को विधानसभा अध्यक्ष, रफीक मौलाली तालुका अध्यक्ष सचिव घोषित किया। इस मौके पर एमआईएम के बहुत से कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। अब देखते हैं कि आने वाले 2019 के चुनाव में एमआईएम के खाते में कितनी सीटें जमा होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। देखते रहिए आज की न्यूज़।